हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ फिर से मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल टेक ड्रॉइड प्रो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के जरिए आप ना बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना दो खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जो कि सच में आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो प्रॉब्लम क्या होगा जो कि आज की इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जैसे कि होता है क्या फ्रेंड, जैसे कि आप जरूर खुद ये चीज कहते होंगे कि भाई साहब, मैं गेम खेलता था तो इतना ज्यादा लैग करता था कि एनिमी मेरे सामने होता था, मार के चला जाता था और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करता था, कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। और भी होता है कि मेरा फोन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रिक को फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका फोन जो भी पबजी खेले या फोन चलाए कुछ भी करे बिल्कुल मक्खन की तरह चलने वाला है। बस और बस करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अगर जानना चाहते हो इस चीज के बारे में सबसे पहले, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और पर सेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तो चलिए आज की इस प्रॉब्लम को चुटकियों में खत्म करते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है, तो इस चीज के लिए सिंपली आपको इस चीज से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। तो सेटिंग में जैसे ही आते हो तो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रिक को फॉलो करना है। बड़े ही ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए क्या करना है, आपको किसी भी एंड्रॉइड फोन के सेटिंग में आना है। आइएगा तो बिल्कुल बात है, इस तरह का सेटिंग मिल ही जाएगा। तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि आपके हर किसी एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलता है, यहाँ पर मिल जाता है अबाउट फोन। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। अबाउट फोन पर जैसे ही आप आते हो तो आपके सामने एक यहां पर वर्जन आता है, वर्जन जो भी हो, वर्जन यहां पर देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से आता है पेज खुल के, जहां पर आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है। तो बिल्ड नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ चार बार या नहीं सात बार दबाना है आपको इस पर। तो जैसे कि देख लीजिए, मैं यहां पर दबा सकता हूं, ज्यादा भी दबा सकते हो लेकिन कम नहीं। तो जैसे कीजिएगा तो यहां पर डेवलपर ऑप्शन एक खुल कर आएगा जो कि आपके फोन के सेटिंग में आता है। तो कहीं कहीं ऊपर पर ही आ जाता है यहां पर, लेकिन किसी किसी फोन में, जैसे कि मेरे ही फोन में देख लीजिए, एडिशनल सेटिंग के अंदर आया यह सेटिंग। देखिए जैसे मैंने यहां पर आया तो एक ऑप्शन को ध्यान से देखिए जो कि यहां पर आ चुका होगा। देखिए थोड़ा यहां पर देख लीजिए, डेवलपर ऑप्शन देख सकते हो। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं करना, आपको पूरे नीचे की ओर चले जाना है। जैसे नीचे आइएगा तो अब क्या करना है, थोड़ा नीचे और करना है थोड़ा। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, देख लीजिए यहां पर है ना। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो यहां पर देखिए स्टैंडर्ड लिमिट होगा जो कि इसमें तो आपको रखना ही नहीं है। और यहां पर देखिए, सबसे यहां पर देखिए मैं सेटिंग यही है, सबसे पहला नो, यहां पर बैकग्राउंड प्रोसेस, यहां पर और तीसरा दिया हुआ है एट मोस्ट वन प्रोसेस। आपको देख लीजिए मैन से रखना है, या तो आप रख सकते हो, जैसे कि देखिए यहां बैक आ गया, इस पर आया मैंने, तो आप रखिए या तो एट मोस्ट ऑन प्रोसेस में, या तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस में रखते हो तो और भी ज्यादा बेहतर रहता है। इससे क्या आप समझ नहीं पाओगे, जैसे कि आप फोन जब बंद करके भी चले, जैसे कि इस तरह से आप बंद करके भी चले जाते हो तो क्या होता है कि हमारा फोन ऐसा, मत समझिए, काम नहीं कर रहा है। काम करता है तभी तो आपका देखते हैं कि रात में रखा रहता है तो फोन आपका 400% से 20% मतलब कि 20% आई मीन 90% 18% होता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहता है मोबाइल के अंदर। तो यहां पर यदि आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस करोगे तो कुछ नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है, यहां पर सब रखता है, रखना चाहिए सभी को एट मोस्ट वन प्रोसेस में। इससे क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि इसमें जैसे कर दीजिएगा तो क्या होगा, फोन का एक बैलेंस बना रहेगा। यदि आप बिल्कुल नो यहां पर कर दोगे, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, तो ये मतलब संतुलन नहीं बना पाएगा फोन के अंदर। तो आपको मोस्ट रूप से यहां पर रखना है एट मोस्ट वन प्रोसेस में। अगर आप चाहो तो नो बैकग्राउंड में, तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फोन के अनुसार बैलेंस बना के रखने के लिए आपको इसमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एट मोस्ट वन प्रोसेस में। तो यहां पर कर दीजिएगा तो आपका हैंग जो करता है उसका बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यह था पहला ट्रिक, मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा आपको और बताना आपके फोन पर काम किया या नहीं। अब दूसरा सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो इस चीज के लिए सिंपली आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में आना है, जो कि ये सेटिंग आपको अपने फोन के अंदर करना ही करना है। आपको आना है प्रोफाइल पर क्लिक करना है,
सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रेफरेंस मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको मिल जाता है ऑटो अपडेट ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपका यहाँ पर दिया होता है ओवर एनी नेटवर्क या तो ओवर वाईफाई ओनली, ओवर वाईफाई ओनली पर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फोन से कनेक्ट नहीं, वाईफाई में दीजिएगा तब होगा। अगर आप दे देते हो, अगर मान लीजिए आपका ओवर एनी नेटवर्क में है, तो इससे क्या होगा, जो भी अपडेट लेगा आपका फोन का, जैसे ही नेट खुलेगा तो ऑटो देख लीजिए यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ ओवर एनी नेटवर्क में देते हो तो आपका नेट जैसे ही खुला रहता है तो आपका बिल्कुल ये अपडेट अपने आप ही लेते रहता है, जो कि बैकग्राउंड में ज्यादा कम चलता है। तो यहाँ पर ये दो सेटिंग अपनाते हो तो इससे दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, सबसे पहला आपका लैग नहीं करेगा, हैग नहीं करेगा, और दूसरा फोन स्लो नहीं चलेगा, और बैटरी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा इससे समाधान। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के रखना है डोंट ऑटो अपडेट पर, तो ये करके आप डन कर देना। ये दो सेटिंग को जैसे अपने फोन पर करते हो तो फिर देखना आप गेम खेलिए या कुछ भी करिए, आपका फोन स्लो नहीं चलेगा, बैटरी काफी बहुत ज्यादा बेहतर टिकेगा आपका पहले से, और गेम तो बिल्कुल मक्खन की चलेगा। तो ये ट्रिक अपने फोन में कीजिए और कमेंट में बताइए। तो आज के लिए बस इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो वीडियो का ट्रिक बताया ये आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, ये दो ट्रिक। यदि आपको जरा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ साथ ही आपको कमेंट में अपना राय जरूर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।